अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेशन शीट को डिस्कस किया था, और मैंने आपके जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दिया था। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च बजट कैलकुलेशन। क्या आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसकी बजट कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मेरे सामने एक शीट ओपन है, सिंपल मैंने ब्रांड नेम पुट किया हुआ है, मार्केट लिखी हुई है, वीए का नेम लिखा हुआ है, और नीचे डिटेल्स में आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ऑटोमेटिकली फार्मूलाज आपकी जो लॉन्च बजट है उसको कैलकुलेट कर जाएंगे। सैंपल में आप देखो कि यहाँ पे 3 यूनिट्स लिखे हुए हैं, आपने जितने यूनिट्स आप सैंपल मंगवाते हो वो यहाँ पे आप ऐड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम 3 मंगाते हैं डिफरेंट सप्लायर से, और पर यूनिट अगर हमें $50 पड़ता है तो मैं यहाँ पे 50 लिखता हूँ, तो 50 × 3 उसने टोटल कॉस्ट सैंपल की 150 कर दी। बल्क ऑर्डर कहते हैं जी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में आपको प्रोडक्शन कितने की पड़ रही है, तो कितने पीस आप बनवा रहे हो। लेट से मैं अगर 1000 पीस बनवा रहा हूँ और पर पीस मुझे लेट से पड़ रहा है $4.50 का, तो $4,500 मेरी बल्क ऑर्डर की कॉस्ट होगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिर ब्रांडिंग एंड कस्टमाइजेशन आ जाता है कि आपने लॉगो वगैरह लगवाना है, और अगर आपने अपनी मर्जी की पैकेजिंग बनवानी है और सप्लायर आपको कह रहा है जी कि मैं 0.20 सेंट चार्ज करूंगा पर पीस का अगर आपने कस्टमाइजेशन या ब्रांडिंग करवानी है। तो लेट्स से 1000 यूनिट है, आप 1000 लिखो मल्टीप्लाई बाय आपको पर पीस अगर 0.10 वो चार्ज कर रहा है तो आप यहाँ पे 0.1 कर दो, तो देखो यहाँ पे आपकी $100 जो है आपकी ब्रांडिंग एंड कस्टमाइजेशन की फीस आ गई है। फिर शिपमेंट पर पीस आपको कितने का पड़ रहा है, ठीक है 1000 यूनिट्स है हमारे, अगर पर पीस हमें पड़ रहा है जी $1 की शिपमेंट पड़ रही है तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो 1000 × 1 $1000 मेरी शिपमेंट की फीस होगी। फिर यहाँ पे मल्टीपल अगर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह होती है किसी भी चीज़ की तो यहाँ पे आप वो लिख के यहाँ पे यूनिट्स लिखोगे, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट लिखोगे, टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब पेटेंट चेक आपने करवाया अगर कितनी कॉस्ट पड़ी है आपको, लेट से $50 पड़ रही है। इंस्पेक्शन जो आपने करवानी है लेट से मैं कहता हूँ वो $300 मुझे इंस्पेक्शन की कॉस्ट पड़ रही है। सैबोज अगर आपने करवाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप यूनिट्स लिखोगे, पर यूनिट कॉस्ट लिखोगे, तो टोटल कॉस्ट आपको सैबोज की भी आ जाएगी जो आप की वे करवाते हो। मैं नहीं करवाता, ठीक है, तो नीचे मुझे पीपीसी टोटल बजट आ रहा है, पीपीसी पे कितना स्पेंड कर सकते हो, $5,000 to $6,000 हमारा बजट होता है पीपीसी का एस्टिमेटेड, ठीक है, ऊपर नीचे हर चीज हो जाती है लेकिन एस्टिमेटेड 5,000 to 6,000, तो मैंने 5,000 लिखा हुआ है। यू कैन पुट इट 6,000 बिकॉज क्लाइंट को थोड़ा बताओगे ज्यादा लगेगा तो वो फिर शोर मचाएगा, तो बेहतर है कि आप ज्यादा ही लिखो ताकि थोड़ा लगे तो वो आपको अप्रिशिएट कर दे। ओके, सो इनिशियल इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की है, जब आपको सोर्सिंग में रेट्स मिलते हैं चीजों के तब आप कैलकुलेशन करते हो। इनिशियल 12,100 आपको फर्स्ट इन्वेंट्री जो आप इसकी ऑर्डर करने जा रहे हो उसके लिए आपको $12,000 चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री भी करवा लेते हो वो आईपीएक्स लेटर के थ्रू आपको तकरीबन $1,300 की पड़ती है। ए प्लस कंटेंट डिजाइन करवाते हो तो डेफिनेटली आपको उसकी जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी वगैरह करवानी होती है तो वो आपको ऑलमोस्ट $100 का पड़ जाता है। अगर वीडियोस क्रिएट करवाते हो तो वो भी एवरेज आपको $100 की पड़ जाती है। ये ऑप्शनल टास्क है, आप करवाते हो तो आपकी कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा 12,000 के अंदर, ये 1450 और ऐड होगा $13,550 बन जाएगा। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड इमेज डिजाइनिंग की कॉस्ट ही डाली, वो भी आपको तकरीबन $300 के करीब पड़ जाती है, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया। $12,400 इज रिक्वायर्ड टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इस प्रोडक्ट के 1000 पीसेस को लॉन्च किया जाएगा, उसके लिए तकरीबन अगर आप इन चीज़ों को नहीं करते तो तकरीबन $13,000 आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप ये चीज़ें भी ऐड करते हो तो ऑलमोस्ट $14,000 आपको रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट को इनिशियल लॉन्च करने के लिए। फिर आपकी जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाती है आपके रिव्यूज आते हैं, रैंकिंग होती है, समटाइम्स आप प्रोडक्ट की प्राइस भी कम कर देते हो, प्रॉफिट कम कर देते हो ताकि आपको ऑर्डर्स आए और आपकी रैंकिंग हो, तो पहली जो आपकी इन्वेंट्री होती है ना वो ऑलमोस्ट आपको थोड़ा सा ही प्रॉफिट देती है क्योंकि ज्यादातर आप उसको रैंकिंग पे ही स्पेंड कर रहे होते हो। समटाइम्स हमें सैबो भी करवाने पड़ जाते हैं, ऑप्शनल हम यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ मुझे 50 यूनिट सैबो करवाने हैं, मैं ऑप्शनल डाल देता हूँ, और पर पीस मुझे सैबो का कितना पड़ रहा है जो भी आपकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। लेट से मेरी सेलिंग प्राइस $20 है, ठीक है, तो $1,000 मुझे सैबो का पड़ जाएगा, वो भी इसके अंदर फिर ऐड हो जाएगा, तो यू कैन पुट द ऑप्शनल कॉस्ट एज वेल। तो अब आपको 13,400 लग के जो ऑर्डर वगैरह आएंगे, कुछ पैसे आपके पास बनेंगे, आपकी रैंकिंग वगैरह हो चुकी होगी, आपके रिव्यूज वगैरह हो चुके होंगे, नेक्स्ट इन्वेंट्री जो आप मंगवाओगे उसमें आपकी सैंपल की कॉस्ट भी नहीं होगी, आपकी ब्रांडिंग तो डेफिनेटली होगी, शिपमेंट भी होगी,
पेटेंट चेक नहीं होगा, फोटोग्राफी नहीं होगी, इंस्पेक्शन नहीं होगी, सैबोस नहीं होंगे, पीपीसी या तो नहीं होगी या तो कम होगी होगी, ठीक है, आप हाफ कह सकते हो। तो अगर आप नेक्स्ट फिर जो 1000 पीस मंगवाते हो उसके लिए आपको 4500 यूनिट्स के चाहिए होंगे पैसे, और शिपमेंट का लेट से 1000 आपको चाहिए होगा, प्लस ब्रांडिंग एंड कस्टमाइजेशन का $100 था आपका, पीपीसी काम ऐड कर देते हैं, लेट से हमें पीपीसी के लिए चाहिए होगा नेक्स्ट में हाफ कर देते हैं 3000, तो वो $8600 बन गया, ठीक है। तो 13400 आपका फर्स्ट साइकिल पे लगेगा और दूसरा साइकिल पे आपका तकरीबन 8600 आपको चाहिए होगा। अब 8600 आप सारा पॉकेट से तो नहीं दोगे, डेफिनेटली आपने जो इन्वेस्ट किया इसमें से भी आपको पैसे जो हैं वो आएंगे, जिसके साथ अगर जो लेट से आपको ये इन्वेस्ट करने के बाद आपको $4000 मिला है, 5000 मिला है, 6000 मिला है, तो 6000 के साथ आप 2000 और एक्स्ट्रा ऐड करोगे और आप नेक्स्ट 1000 पीसेस मंगवा लोगे। तो 13400 ऑलमोस्ट आपको पड़ रहा था फर्स्ट इनिशियल इन्वेंट्री का, और 2-3000 आपको नेक्स्ट इन्वेंट्री का पड़ जाएगा। तो यू कैन से के $16000 से $17000 आपको ऐसी प्रोडक्ट जिसकी ये नंबरिंग होती है, ये कॉस्ट होती है, उसको लॉन्च करने का आपका लग जाएगा। लेकिन हमेशा रेंज में बात की जाती है, कभी भी फिक्स अमाउंट आप क्लाइंट को बताओगे तो वो स्टिक हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा जी कि मैंने आपने ये बताया था आप ज्यादा क्यों लग रहे हैं, मैं नहीं देता, मेरे पास है ही ये थे। तो अगर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद 17000 बन रहा है तो आप उसको रेंज दो के 17 से 20000 डॉलर हमें इस प्रोडक्ट की लॉन्च का चाहिए। फिक्स अमाउंट कोई भी नहीं बता सकता, बिकॉज किसी को नहीं पता पीपीसी कितना आपका पैसे लेगी। हम एस्टिमेशन की बात करते हैं, इंस्पेक्शन में भी दोबारा करानी पड़ जाए, मे भी सैबो ज्यादा कराने पड़ जाए, मे भी शिपमेंट के रेट एकदम ज्यादा हो जाए, तो यू कैन जस्ट कॉट द एस्टिमेशन। अगर आपका $17000 यहाँ पे कैलकुलेशन आ रही है, ठीक है, दूसरी इन्वेंट्री का साइकिल बना के, तो आप 17 से 20000 डॉलर की रेंज अपने क्लाइंट को दोगे कि 17 से 20000 डॉलर का कैपिटल हमें चाहिए इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली अमेजोन पे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। तो ये शीट मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन फील्ड में आप लोगों के साथ, आप इसको भी यूज करें और अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। और वीडियो लाइक नहीं करते आप लोग, कमेंट्स भी नहीं करते, शेयर भी नहीं करते, चलो खैर है, कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज़।